टीचर और पोएट दो ही काम करते हैं या तो वो किसी की तारीफ करते हैं और या फिर किसी को टारगेट करते हैं टी इज इक्वल टू टी नेगेटिव पब्लिसिटी इज द बिगेस्ट पब्लिसिटी अब जब लोग ट्रोल होते हैं तो खुशी मांग भैया आज मैं भी ट्रोल हो गया क्योंकि तो जब आप ट्रोल होते हो तो भयंकर बड़े पैमाने पर लोग आपको सुन देखते हैं कि ये कौन है यार तो, तो ट्रोलिंग इज अचीवमेंट जब आप एरिस्टोक्रेसी की तरफ बढ़ोगे तो आप लोगों की निगाह में आओगे जब आप भीख मांगोगे तो आप लोगों की नजर में आओगे ये लाइन मुझे इतनी स्ट्राइक की ये जो लाइन थी पार्टी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा मकसद था कि मुझे ये आश्वासन दिया गया मुझे बात कही गई कि हम चाहते हैं जो एग्जैक्ट लाइन मेरे पास मैसेज में पड़ा हुआ है तारीफ करना भगवत्ता की निशानी है तारीफ करना हर आदमी की बस की बात नहीं होती रामचंद्र जी ने रावण की भी तारीफ की थी भाई लक्ष्मण जी से जब उन्होंने लास्ट में बोलते हैं जब युद्ध खत्म होता है तो लक्ष्मण जी को क्या बोलते हैं कि अरे यार इतना बुरा भी मत बोलो ये आदमी बहुत बड़ा ज्ञानी भी था तो तारीफ करना एक सहनसाइत की निशानी है उसका मतलब ये नहीं होता आप बहुत सारे आप ऑस्ट्रेलिया से आपकी टीम खेलती है इंडिया की टीम खेलती है तो आप स्टीव वॉ की तारीफ नहीं करते तो इसका मतलब क्या है कि आप चाहोगे स्टीव वॉ आपकी टीम से खेले तो तारीफ करना एक अच्छे इंसान का लक्षण है उस पर इतना और तब तक मैं टीचर था पर टीचर और पोएट दो ही काम करते हैं या तो वो किसी की तारीफ करते हैं और या फिर किसी को टारगेट करते हैं टी इज इक्वल टू टी तो ठीक है जब तक मैं टीचर था तब तक मैं तारीफ भी करता था और लोगों की टारगेट भी करता था मैंने तो बड़े सारे लोगों को टारगेट भी किया है तो वो एज ए टीचर मेरा वो स्टैंड था अभी मैं तो कहूंगा कि अगर आपको ना चाहने वाले आपको प्रमोट करने लगे तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि होती है आपकी मतलब आपको चाहने वाले तो कर ही रहे हैं और मान लीजिए जो लोग आपको नहीं चाहते वो भी आपको प्रमोट कर रहे हैं और आज के इस सोशल मीडिया के युग में नेगेटिव पब्लिसिटी इज द बिगेस्ट पब्लिसिटी क्योंकि जनता को तो पता ही है मैं गीता पढ़ा रहा हूं संडे को रात में नौ बजे मेरा गीता का शो आता है और इतने सारे मतलब लाखों लोग मुझसे उस शो से जुड़े हुए हैं तो अब मेरे बारे में कोई कोई अब तो लोगों को पता चल गया कि ट्रॉलिंग एक गेम होता है आज 20 साल पहले पाँच साल पहले बुराई करना लोग बहुत दुख होते थे अब जब लोग ट्रोल होते हैं तो खुशी मानते भैया आज मैं भी ट्रोल हो गया क्योंकि तो जब आप ट्रोल होते हो तो भयंकर बड़े पैमाने पे लोग आपको सुन देखते हैं कि ये कौन है यार तो, तो टुडे ट्रोलिंग इज अचीवमेंट उसमें

आश्वासन दिया गया मुझे बात कही गई कि हम चाहते हैं जो एग्जैक्ट लाइन मेरे पास मैसेज में पड़ा हुआ है कि हम चाहते हैं कि हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि शिक्षा के विकास धारा में हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ ही बने ये इतनी स्ट्राइक की ये जो लाइन थी मुझे ये नहीं कहा गया कि आप आओ और ये करो वो नहीं मुझे सीधे एक लाइन भेजी गई कि मिस्टर ओझा हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ शिक्षा के विकास धारा में हमारे सहयोगी बने और वो एक बहुत स्ट्राइकिंग लाइन थी मेरे लिए और यहीं से मैं आम की तरफ बाकी ऐसा कैसे हो सकता है आप किसी के साथ हैं तो आप आ, ऐसी कौन सी इनकी विचारधारा जो आपको पसंद, नहीं है? हेल्थ क्लीनिक आपको पसंद नहीं है आपको ये जो प्रोग्राम चला रहे हैं बिजनेस ब्लास्टर आपने कभी सुना कि 19 साल का लड़का डेढ़ करोड़ का टर्नओवर कर रहा है ये आपको नहीं पसंद है ए के ई मॉल्स का मालिक है जयेश डेढ़ करोड़ टर्न है उसका जिस उम्र में बच्चे कंपटीशन शब्द की स्पेलिंग नहीं जानते हैं उस उम्र में वो लड़का है डेढ़ करोड़ का टर्नओवर कर रहा है आपको नहीं पसंद है कि आपके एक अरब पचास करोड़ के देश में मेजोरिटी लड़के इंटरप्रेन्योर हो जाएं और जिस दिन हमें तो मार्केट बाहर ढूंढनी ही नहीं भाई सिंगापुर को मार्केट ढूंढनी है अमेरिका को ढूंढनी उसका टोटल पॉपुलेशन तीस करोड़ है जबकि हमारा एक राज्य यूपी उसका टोटल पॉपुलेशन तीस करोड़ है तो अगर इस देश में

एक इतना बड़ा आदमी जो कभी यूएन का चीफ सेक्रेटरी रहा हो वो अगर किसी इंस्टेंट को तारीफ कर रहा है उसको इस कंट्री से क्या लेना देना है कौन सा उन्हें चुनाव लड़ने जाना लेकिन उसके बाद से आम आम आदमी आदमी पार्टी पार्टी पे कई गंभीर आरोप लगे के नेता जेल भी गए कैसे आप डिफेंड नेल्सन मंडेला पोलिटिकल सवालों का भी जवाब दे रहा हूँ नेलसन मंडेला जेल गए महात्मा गांधी जेल गए राम मनोहर लोहिया जेल गए अगर राजशाही में आरोप का खेल नहीं होता तो सब नहीं आते कल से मेरे घर के लोग टेंशन में हैं भैया ऐसे बोल रहे हैं अब ऐसे तो बोलेंगे ही ना अब रिक्शे वाले को जब आप देखते हो तो क्या कहते हो बेचारा लेकिन जब आप किसी मंत्री को गाड़ी में घूमते हो तो देखते हो तो कहते हो ये देखो लाल बत्ती में जा रहा है ये एक नेचुरल ह्यूमन सेंटिमेंट है जब आप एरिस्टोक्रेसी की तरफ बढ़ोगे तो आप लोगों की निगाह में आओगे जब आप भीख मांगोगे आप लोगों की नजर में आप आप महात्मा मंडेला का जिक्र करें, करें तुलना अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल जी की तुलना करने के लिए मुझे इतिहास में कई सारे हैं, बड़े अच्छे अच्छे करैक्टर हैं, पर मैं सोचता हूँ कि बहुत सारी बातें जो उनकी तुलना उन्हीं से ही की जाए तो अभी मैं एक किताब लिख रहा हूं उनके ऊपर शुरू है मैंने मैं उसमें डिस्क्लोज करूंगा कि मैं उनकी तुलना हाँ हाँ